मैंने राधा के लिए क्या क्या सपने देखे। एक खूबसूरत पति जहाँ पे मेरी दादा जाए। तुम्हारे मैं जी तो तुम्हारे साथ रही हूँ, मगर मेरे दिल की हर धड़कन में वो है। हम आपके हैं कौन फैंस के लिए क्यों खास है फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। सलमान की रियल लाइफ से किस तरीके से कनेक्टेड है ये फिल्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। साल 2002 में रिलीज हुई इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म को KS अधिमान ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म आपकी कसम फिल्म का अनऑफिशियल रिमेक थी। इसमें हमें सलमान खान, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान के साथ कैमियो अपीयरेंस में ऐश्वर्या राय भी नजर आई थी। दोस्ती, प्यार, शक, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे प्रेजेंट एवरीवेयर टॉपिक्स पर बनी ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों के बेहद करीब है। आज हम आपके साथ इसी फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें साझा करेंगे। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। ये फिल्म सबसे ज्यादा समय में बनने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी मेकिंग में 8 साल लगे थे। फिल्म की कास्ट पहले बहुत अलग होने वाली थी। सलमान खान की जगह संजय दत्त, अतुल अग्निहोत्री की जगह अभिषेक कपूर, ऐश्वर्या राय की जगह करिश्मा कपूर, लेकिन किसी न किसी वजह से ये नाम बदलते गए और आखिरकार हमें हमारी फाइनल स्टार कास्ट मिल गई। अगर आप हम आपके हैं कौन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए स्पेशल मीनिंग जरूर रखती होगी, क्योंकि हम तुम्हारे हैं सनम और हम आपके हैं कौन में काफी कुछ कनेक्शंस हैं। नहीं नहीं, हम सिर्फ मेन लीड्स की बात नहीं कर रहे हैं। बता देते हैं कि सलमान और माधुरी की अब तक की साथ में ये आखिरी फिल्म थी और फेमस एक्टर लक्ष्मीकांत और सलमान की भी साथ में ये आखिरी फिल्म ही थी। यहाँ तक कि पहले फिल्म का नाम भी हम आपके हैं सनम रखा जाने वाला था, लेकिन मेकर्स को लगा कि ये हम आपके हैं कौन से काफी सिमिलर साउंड कर रहा है, तो इसे बदल दिया गया। फिल्म के गाने ही रोचक तथ्यों का एक बड़ा सा भंडार है। आपको हम तुम्हारे हैं सनम गाना सुनकर किसी गाने की याद नहीं आती? जी हाँ, दिल लगा लिया फ्रॉम दिल है तुम्हारा। लेकिन दरअसल ये दोनों ही गाने पाकिस्तानी पंजाबी हिट बूहे बारियां से इंस्पायर्ड हैं। चलिए फिल्म के एक और गाने की बात करते हैं। तूने मेरे दिल को तोड़ा, तन्हा तन्हा मुझको छोड़ा। इस लिरिक्स को सुनकर आपको किसी आर माधवन के गाने की याद नहीं आ रही? यस, इस सॉन्ग के लिरिक्स और रहना है तेरे दिल में फिल्म से सच कह रहा है दीवाना गाने के लिरिक्स काफी जगह सेम है। ये तो हो गई गानों के कनेक्शन की बात। वैसे फिल्म में उस समय कुछ हद तक एक्टर्स के रियल लाइफ से भी कनेक्शंस थे। कैसे? दरअसल इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने स्पेशल अपीयरेंस में सलमान की गर्लफ्रेंड का रोल निभाया था और दिलचस्प बात यह है कि उस समय वाकई ऐश्वर्या सलमान की गर्लफ्रेंड थी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने ये फिल्म देखी है, और अगर हाँ तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और फिल्म से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है उपासना पांडे ने।